हेलो गाइस, ट्रेन ड्राइंग्स ऑन पीसी के थर्ड पार्ट में आप सब लोग का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये कोच शेल का डिज़ाइन देखा था। इस वाले वीडियो में हम वो पार्ट पूरा करेंगे, ये कोच मतलब उसके जो रूफ टॉप्स और वेस्टिबल्स वगैरह बनाना था वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो रूफ टॉप्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही कि इनकम्प्लीट बना रहा हूँ मैं 90 डिग्री एंगल फॉर द रूफ टॉप्स। ये एक साइड में हम एक जाली टाइप बनाएंगे, उसका यूज हमें बाद में होगा, इसीलिए पहले इसको ये कॉपी करते हैं और एक सॉर्ट ऑफ एक जाली बना लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, क्योंकि अभी तो भाई बहुत बाकी है दिखाने को आप लोगों को। ये सिर्फ एक कोच है, इसके बाद हम लोग जनरेटर एसी मतलब पावर कार बनाएंगे, फिर आईसीएफ कोचेस भी बनाने हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन करके इसको यहाँ पे ऐसे ओवरलैप सॉर्ट ऑफ करते हैं और एक सॉर्ट ऑफ देखते हैं जाली बनाई हम लोगों ने, वो बाद में इसको यूज़ करेंगे। अभी इसके जो एसी यूनिट्स हैं वो बना लेते हैं। सबसे पहले अगेन इट्स माय इमेजिनेशन, ये सीरीज का वैसे लास्ट पार्ट नहीं है, बट ये कोच बनाने का जो ये था प्रोसेस, ये उस प्रोसेस का लास्ट पार्ट है। मतलब आज हमारा ये कोच पूरी तरह से बन जाएगा और आगे हम डिफरेंट कोचेस के तरफ बढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में से। अब देखो, मैंने एक ऐसा, ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ट्रेन ड्राइंग्स ऑन पीसी, ये सीरीज़ के लिए मैंने कुछ ऐसे डेज प्लान करके रखे हैं। मतलब ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे या फिर वेडनेसडे एंड संडे, सिर्फ ये दो दिनों को मैं ये वाली सीरीज़ अपलोड करूँगा और बाकी रिमेनिंग डेज में जैसे मेरे रेगुलर अपलोड्स रेल फैनिंग के वगैरह आते रहते हैं वो रेगुलर डेज में आ जाएंगे। बट ये स्पेसिफिक सीरीज़ सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे या वेडनेसडे और संडे, ये दो दिन पे ही आएगी। कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये हम लोगों ने इसकी एक सॉर्ट ऑफ ये बना दी। अब इसको ये जो एसी यूनिट सॉर्ट ऑफ हमने बनाया है इसके नीचे इसको लाके रख देंगे और जो रूफ के जो रहते हैं लाइंस वो बनाते हैं। मुझे उसका टेक्निकल यूज़ तो नहीं पता, बट एक ऐसा मुझे लगता है, आई गेस दैट ये जो लाइंस है वो शायद से जब बारिश आती है तब वो वाटर पानी को ऐसे नीचे ऐसे गिरने से आई गेस अवॉइड करते हैं। मुझे उसका टेक्निकल यूज़ नहीं पता। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आईसीएफ कुछ इस पे मैंने देखा है कि जो डोर्स रहते हैं उनके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ ऐसा बना रहता है लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें ये रूफ टॉप्स वगैरह बनाना, फिर जो कोच पे जो लिखावट रहती है वो, एंड सम सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग वर्क हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो यस, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी इसको कॉपी करते हैं और जो दूसरा साइड है वहाँ पे यहाँ इसको लगा देते हैं।
ये वाले LHB कोच खत्म होने के बाद, मतलब उसका जो ये वर्क है, ये एक AC टू टायर कोच का ख़त्म हो जाने के बाद आई हैव प्लान कि मैं जो जनरेटर कार्स रहते हैं वो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और कोच बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बट आई हैव प्लान टू मेक द जनरेटर्स। अभी ये कुछ ज़्यादा ही टॉल लग रहा है मुझे रूफ टॉप, इसलिए ट्राई कर रहे हैं उसका जो ये है उसको थोड़ा कम करने का, जो लेंथ है उसकी, सॉरी ब्रेड्थ। अपार्ट फ्रॉम 2D ड्राइंग्स में 3D मॉडलिंग ऑन PC उसके ऊपर भी ज़रा मेरा स्टडी चालू है। तो वंस आई अंडरस्टैंड दैट सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू मेक द मॉडल्स, मैं ट्राई करूँगा उस पर भी मॉडल्स बना के यहाँ पब्लिश करने का। बट सबसे पहले ये सीरीज़ ख़त्म कर लेते हैं। आई गेस मैंने अभी सारे वीडियोस बनाए नहीं हैं, बट जब ये पूरी सीरीज़ मेरी तैयार हो जाएगी तब आई गेस 30-40 वीडियो तो बनी जाएंगे। अभी कैसा है, ये एक कोच हमने बना लिया, अभी ये कोच को अगर हमें कुछ अलग लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ इसका जो अभी ये विंडोज़ वाला या फिर जो उसका कलर है वो ही सिर्फ एडिट करना रह जाएगा, क्योंकि व्हील्स और रूफटॉप्स तो और वेस्टिब्यूल्स ऑब्वियसली तो वो तो मोस्टली सब LHB कोचेस के कॉमन ही रहते हैं। वापस ऐसे 3 पार्ट्स की सीरीज़ हमें ICF कोचेस के टाइम लगेगी, क्योंकि ICF कोचेस पूरा अलग है। एंड यस, जो कोचेस अभी यूज़ नहीं होते ICF के भी, फॉर एग्जांपल द वेणाद एक्सप्रेस कोचेस या फिर जो फुल AC राजधानी लाइब्रेरी के कोचेस हैं, हाँ कुछ ट्रेन्स में यूज़ होते हैं बट नाउ दे आर लाइक नो मोर, तो वो भी हम बनाएंगे इसमें आगे आने वाली वीडियोज़ में। जैसे ही हम हमारा LHB का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम ICF पे ज़रूर जाएंगे। तो अभी ये लग रहा है ठीक ठाक, अभी ये हम बनाते हैं वेस्टिब्यूल्स। तो जो वेस्टिब्यूल्स हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले एक ऐसा थिन सा ऐसे रेक्टेंगल यहाँ बना लेंगे। अभी ये लॉकडाउन है तो कहीं बाहर जाने को हो रहा नहीं है, जाने को मिल रहा नहीं है, अदरवाइज रेल फनिंग वगैरह हो सकता था। चलो कोई नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो ये वाला पार्ट अभी वेस्टिब्यूल हो जाने के बाद कपलर्स जो CBC कपलिंग्स रहते हैं वो बनाएंगे। अब मुझे कमेंट करके आप बताना कि आपको कौन से कोचेस पसंद है, ICF या LHB, मतलब दिखने में कौन ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मुझे दोनों कोचेस बहुत पसंद है, मतलब अगर AC कोचेस देखने हो, फुल AC मतलब 2-3 टायर वगैरह, देन आई लाइक ICF कोचेस, और अगर नॉर्मल कोई भी ऐसा रैंडम कोच देखना है तो LHB कोच। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड सा एक ऐसा बॉर्डर बना देते हैं बाउंड्री टाइप, तो जो हमारा कपलर्स और जो पाइप्स जो बनाएंगे, पाइप्स को क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में आई डोंट नो, तो वो जो है वो इधर तक ही ये रहेगा लिमिटेड, सो दैट जब हम ये एक कोच को दूसरे कोच से कपल करेंगे तो ये मतलब ऐसा एकदम प्रॉपर लाइन में आ जाएगा, ओवरलैप नहीं होगा दूसरे कोच के लिए।
ये लॉकडाउन में टाइम यूटिलाइजेशन अगर अच्छे ढंग से किया जाए देन वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू, बट अगर फालतू का टाइम पास किया तो दिस प्रेशियस पीरियड इज वेस्टेड। अगेन इट्स माई ओपिनियन। ये हमारा पहले हम जो ये रहते हैं सॉर्ट ऑफ कनेक्टर्स वो पहले बना लेते हैं और उसके बाद CBC कपलर्स की ओर जाएंगे। ये हो गया। अभी ये इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोपोर्शन में भी आए, तो अभी ये इधर प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है तो हम एक काम कर रहे हैं इसको सिलेक्ट करके ऐसा, अरे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन और करते हैं और ये इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं। यस अभी थोड़ा सा प्रोपोर्शन में लग रहा है। और इधर एक छोटा सा कुछ तो बनाते हैं। ये अभी हम एक काम करते हैं इसको, नहीं सबसे पहले कपलर्स बनाते हैं और उसके बाद मैग्निफिकेशन 200 या 100% पे लाके एक बार प्रीव्यू करते हैं कैसा लग रहा है। ये ब्लैक कलर से यहाँ कनेक्ट करते हैं और स्कोप नहीं है इरेज करने का, रहने दो। अगर आपने पहला पार्ट या फिर वो टूर कोच टूर का वीडियो जो मैंने PC पे बनाया वो कोचेस का टूर, या फिर सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। और कंटेंट फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और हमारे चैनल की सिर्फ आई गेस 20 या 21 सब्सक्राइबर्स ही बाकी हैं, देन हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ये जो ऊपर का मैंने सर्कल बनाया है वेस्टिब्यूल का वो आई गेस प्रोपोर्शन में नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ इस यहाँ थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं और ओवल ओवल सॉर्ट ऑफ इसको कर देंगे। यस अभी ये पूरा पार्ट सिलेक्ट करके हम अपोजिट साइड पे लगा देंगे जो दूसरा साइड है वो। सबसे पहले कलर्स भरने हैं और इसको सिलेक्ट करके ऑपोजिट साइड पे लगा देते हैं। मुझे कौन से भी कोचेस हो ICF या LHB दो कोचेस के बीच में वेस्टिब्यूल देखना मुझे बहुत पसंद है। ये मैग्निफिकेशन डिस्प्ले करके अभी जो टेक्स्ट है लिखावट वो अभी देखते हैं। तो जो अभी हम टेक्स्ट करेंगे इसके ऊपर वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक कोच पे लिखा रहता है ना, मतलब 2 सीट्स 1 to 54 फॉर AC 2 टायर 1 to 54, तो वो वाला बॉक्स हम लोग पहले बना लेते हैं। ये किधर खो गया? हाँ तो यहाँ टेक्स्ट करते हैं। अभी फॉन्ट में
फॉन्ट का जो नेम है वो है एरियल नैरो। यहाँ देखेंगे आप एरियल, इसको हटा के एरियल नैरो फॉन्ट से यहाँ लिखेंगे जो एक्चुअल ट्रेन पे लिखा रहता है जिस फॉन्ट से, वो तो मुझे नहीं मिला, उसका सिमिलर फॉन्ट एरियल नैरो मुझे मिल गया, मतलब जो सीआर वगैरह वो भी, इट लुक सिमिलर टू एरियल नैरो। टू सीट्स 1 to 54, एसी टू टायर के लिए 1 to 54 रहते हैं ना। अभी ये बाहर का जो रेक्टेंगल है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो इसको अभी छोटा करते हैं। आई नो ये वीडियो भी बहुत लंबी है क्योंकि भाई डिटेलिंग वर्क इसमें ज़्यादा है, नॉट लाइक द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन में सिर्फ शेल बनाना था, शेल का डिज़ाइन करना था, ये एरो बना देते हैं छोटा सा। हाँ तो जैसे मैं कह रहा था, प्रीवियस में सिर्फ शेल बनाना था, इसमें प्रॉपर जो राइटिंग वर्क वेस्टिब्यूल वगैरह है वो बना रहा, तो टाइम तो लगेगा ये वाले पार्ट में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे लिख देंगे रिजर्वेशन। आई गेस मैं कुछ भूल रहा हूँ, और भी कुछ लिखा रहता है इस पर, अभी याद नहीं आ रहा, छोड़ो आगे आएगा तब ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे एसी टू टायर लिखते हैं, हाँ ये सेकंड एसी, ये वाला बनाते हैं। अब वापस इस रेक्टेंगल को यहाँ पे लगा देंगे, और अभी हम जाएंगे इसका जो टाइप है कोच का वो लिखने। सो द कोच इज एसी टू टायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सबसे पहले येलो से लिखता हूँ और एक ब्लू की शेड सिलेक्ट करता हूँ। हाँ मैंने टोटल ये पूरे कोच में जो बॉक्स बनाया उसको थोड़ी डार्कर शेड यूज़ की थी। फॉन्ट साइज 11 करते हैं और ए सी टू टायर, और एसी टू टायर ये लिखते हैं, और जो ब्लू वाला है उसको येलो पे ओवरलैप करते हैं। कोई कोचेस पे ऐसा टाइप का लिखा रहता है, कुछ कोचेस पे सिर्फ ब्लू में लिखा रहता है। अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो नया पीसी है उसके ऊपर मैंने देवनागरी टेक्स्ट डाउनलोड नहीं किया है, और जो मेरे पुराने कोचेस थे उस पर जो मैंने देवनागरी में लिखा था ये टाइप ऑफ कोचेस, वो इसी पैटर्न में थे, इसीलिए मुझे इसी पैटर्न में इंग्लिश वाले भी लिखने हैं। मराठी रहता तो मैं, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट रहती तो मैं सिर्फ एक ही कलर से इसको लिखता। अब ये कोच नंबर, जो कोच का नंबर रहता है ना, ये हम ये 2020 में बना रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग में 20 लिख दिया और बाकी का 4 डिजिट्स। वैसे देखा जाए तो और भी बहुत डिटेलिंग वर्क है इसमें, मतलब ये जो व्हील्स के ऊपर स्लाइड में साइड में वहाँ लिफ्ट लिखा रहता है वो सब हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे,
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जो आगे मैं कोचेस बनाऊँगा उसमें वो ऑलरेडी रहेगा लिखा हुआ। ये होगा ओवरलैप। ये शायद फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा होगा। फर्स्ट पार्ट कुछ 20 या 21 मिनट का था, ये आई गेस 26 मिनट्स का है, 26 या 27, लगभग आधा घंटा। तो ये फर्स्ट पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है। अभी एक काम करते हैं, जो मेरे पुराने क्लिप बोर्ड पर मैंने सेव किया था मराठी देवनागरी, तो वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये अलाइनमेंट चेक करते हैं, सब एक ही लाइन में है ना। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसको चाहिए। हाँ हाँ आई होप ये वीडियो आप कंटिन्यूस देख रहे हैं। आई नो इट इज़ कंटिन्यूस, देखना बहुत टाइम वेस्ट लगेगा आपको, बट आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं। आई गेस पूरा वीडियो शायद ही कोई देखता रहेगा जो मैं अपलोड करता हूँ ये सीरीज के। हाँ ये CR हो गया। ये कुछ मुझे सेंट्रल रेलवे के लिए बनाना था, इसलिए मैं CR लिख दिया। अभी ये सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए रुको, मैग्नीफिकेशन थोड़ा बढ़ाते हैं, 200 है ना, 300 करते हैं। तो क्या है वो सिलेक्ट का कर्सर एडजस्ट होगा। अभी वापस जो मध्य लिखा रहता है देवनागरी में, वो भी क्लिपबोर्ड से कॉपी करूँगा और यहाँ इंसर्ट कर दूँगा। अच्छा लग रहा है ना। अभी आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा पार्ट बचा है, सिर्फ वो ट्रेन के जो बोर्ड्स हैं, मतलब अगर नया कोच फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करके आया है तो उसके जो ये तीन एंटी स्पेसेस दिख रहे हैं आपको बोर्ड्स के लिए, वहाँ पे सैंपल के तौर पे कुछ ऐसे फिट किया जाता है, तो वो अभी बनाएंगे। एंड अगर कुछ बचा रहेगा बनाना तो कलर टू, हम ये अ टाइप ऑफ येलो सिलेक्ट करते हैं। कलर टू मतलब जो बैकग्राउंड कलर रहता है, सो दैट ये अभी ये पार्ट मैंने डिलीट किया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। हाँ ये अभी ये मैंने पार्ट डिलीट किया तो वो कलर टू जो है वो आ जाएगा, तो ये वाला कलर आ गया। और ये कोच का नंबर, मतलब सपोज ए सी टू टायर है तो यहाँ पे A1 या A2 जो भी है वो लिखने का स्पेस। ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है शायद, ऑफ कर रहे हैं। अभी ये इसमें फिट करते हैं और ये तीसरे वाले में। और हाँ ये वाला जो है ये तीन, वो सेम मेजरमेंट ICF के लिए भी हो गए, क्योंकि अगर सपोज एक ट्रेन LHB5 हो गई तो ऑब्वियसली वही ट्रेन बोर्ड यूज होंगे ना। यस नाउ वी आर डन विद द कोच, इंसर्ट करते हैं और हाँ यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लिखा रहता है वो लिखेंगे इधर, हालांकि कोई रियल लाइफ में फॉलो नहीं करता वो। तो यहाँ पे एंट्री साइज 3 या 4 रखता हूँ, इसको ज़रा दरवाजे के नज़दीक लाते हैं। यस और वो साइड में एग्ज़िट, तो
तो यहाँ पे एग्जिट लिख देते हैं एंड यस द कोच इज़ कम्प्लीट। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं नेक्स्ट वो ये एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का कोच बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर नहीं आए तो ऑब्वियसली मैं जनरेटर ही बनाना हूँ, एसी पावर कार। तो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट पार्ट। आई होप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को क्लिक करना। मिलते हैं आगे आने वाले पार्ट्स में। थैंक यू।